भारतीय जनता पार्टी का आज जम्हूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन संपन्न हुआ। इस कार्यकर्ता महाकुंभ में कार्यक्रम भोपाल के जम्हूरी मैदान में कार्यक्रम संपन्न किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के संबोधन में कहा कि प्रदेश की राजनीति के बाद आगामी विधानसभा चुनाव में लाखों की संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री, प्रदेश मंत्री सहित बीजेपी के सांसद, विधायक मौजूद रहे। पीएम ने अपने संबोधन में प्रदेश में राजनीति में नए बदलाव की बात कही। सिंचाई की रकम बढ़ाने में जो सफलता हम प्राप्त कर रहे हैं, उसके पीछे उनका आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री जी का। हम इसलिए स्वागत करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए फसल बीमा योजना बनाई और मुझे कहते हुए गर्व है इसी साल के नेतृत्व की है सरकार, गरीबों की सरकार है। आजादी के बाद के 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाला शासन के आधार पर मांगे मौनी बाबा मनमोहन सिंह के नेतृत्व में अनिर्णायक सरकार बनाई, आधार कर दिया। इसके आधार पर वोट मांगोगे या मध्य प्रदेश के अंदर राजा महाराजा और उद्योगपति की आपकी जो टिकड़ी है इसके आधार पर वोट मांगोगे, जरा बताओ तो। मतदाताओं के मिलन के साथ मनाने की हम परंपरा रहे। मुझे भी पहले ऐसे समारोह में जम गई, इतना जुल्म दिल्ली के अंदर यूपीए के शासनकाल में चला। अक्सर लोग भी पैसे पड़े रहे तो पड़े रहे, योजनाएं अटक पड़े तो अटक पड़े, लेकिन जहां भाजपा की सरकार है वहां तो कुछ नहीं होने देंगे। तब जाकर के वहां पर जनता का आक्रोश पैदा होगा और तब जाकर के जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी। भाइयों